विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में दो दिवसीय छिंज मेले का बड़े ही धूमधाम के साथ समापन हो गया। पंजाब और हरियाणा के बाद अब हिमाचल के युवा भी छिंज मेलों के क्रेज में बढ़ते जा रहे हैं। दो दिवसीय छिंज मेले में इस बार विदेशी पहलवानों का भी जलवा देखने को मिला। विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में दो दिवसीय छिंज मेला बड़ी धूमधाम के साथ संपन्न हो गया। पंजाब और हरियाणा के बाद अब हिमाचल प्रदेश में भी अब युवाओं को छिंज मेलों का क्रेज बढ़ता जा रहा है। दो दिवसीय छिंज मेले में इस बार विदेशी पहलवानों का जलवा देखने को मिला। इस विशाल दंगल में एक ऐसी रोमांचक कुश्ती देखने को मिली जिसमें एक नेपाली पहलवान ने पंजाबी पहलवान को पटक पटक के मारा। इस अद्भुत कुश्ती का वीडियो आजकल खूब वायरल हो रहा है। जिला बिलासपुर के विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी मंदिर के विशाल स्टेडियम में हुए विशाल दंगल के दौरान नेपाली पहलवान देवा ने जिस तरह से भारतीय पंजाबी पहलवान दर्शकों से खचाखच भरे स्टेडियम में चित किया, वह हर कोई देखकर हैरान रह गया। देवा थापा पहलवान ने कहा कि इतना प्यार उन्हें नेपाल में भी नहीं मिला जितना हिंदुस्तान के लोगों ने प्यार दिया है। नमस्कार जी, सब मुझे चाहने वाले को, और मैं देवा थापा नेपाल से हूँ और यहाँ नैना देवी में कुश्ती लड़ने आया था। एक दिल से पैमन यूपी वाले के साथ कुश्ती हुई और मैंने जीता और पब्लिक और जनता ने मुझे बहुत सारा प्यार दिया। इतना प्यार मुझे नेपाल में नहीं मिला जितना इस जनता ने यहाँ इंडिया के जनता ने मुझे प्यार दिया। बहुत बहुत धन्यवाद जी। पिछले बार भी आई थी मैं, पिछले बार भी बहुत सारा प्यार दी थी यहाँ का जनता ने, इसका इस जनता के लिए फिर उभर आया हूँ। जबकि इस विशाल दंगल में इस बार भी कई अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पहलवान अपना जौहर दिखाने के लिए पहुंचे और एक से एक बढ़िया अखाड़े में कुश्तियां दिखाकर लोगों का खूब मनोरंजन किया। हालांकि इस प्रतियोगिता के दौरान सबसे मुख्य मुकाबला जस्सा पट्टी और गुरमीत दिल्ली के बीच हुआ,